प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र के पेपर डायमेंशंस इन एजुकेशन हिंदी में शिक्षा में आयाम पेपर कोड EDU 202 की सेकंड यूनिट के 2.3 सब यूनिट का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा में मानव अधिकार की आवश्यकता और महत्व। इसके लिए हम आपको 5 पॉइंट बताएंगे और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो मानव अधिकारों की आवश्यकता और महत्व के 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है समग्र व्यक्तित्व विकास। दूसरा पॉइंट है सामाजिक विकास। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता और समानता के पोषक। चौथा पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। पांचवा पॉइंट है लोकतंत्र की स्थापना। अब हम इन 5 पॉइंट का डिटेल आपको देंगे। पहला पॉइंट है समग्र व्यक्तित्व विकास। मानव के समग्र व्यक्तित्व विकास में मानव अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में मानव के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव अधिकार सभ्यता का सार है, जो मानव के व्यक्तिगत जीवन, उसकी गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार शिक्षा उसके समग्र व्यक्तित्व का विकास करती है, उसी प्रकार मानव अधिकार भी व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास करते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक विकास। संपूर्ण समाज के लिए मानव अधिकार महत्वपूर्ण साधन है। यदि समाज को प्रदत्त मौलिक अधिकारों को किसी कारण से विराम दे दिया जाए, तो समाज और व्यक्ति के विकास का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विकास की गति और व्यक्ति के विकास की गति रुक जाएगी। इसीलिए इनके अभाव में समाज ठीक से और नहीं चल सकता, व्यक्ति का विकास नहीं ठीक से हो सकता। मानव अधिकार की उपेक्षा करने से सिर्फ अपराध और विवाद की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसीलिए मानव अधिकार व्यक्ति के सामाजिक विकास के अति आवश्यक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता और समानता के पोषक। व्यक्ति को यदि समाज में स्वतंत्रता और समानता का पर्याप्त व उचित अधिकार उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यक्तिगत और समाज के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए मानव अधिकार समाज में स्वतंत्रता और समानता के मुख्य संरक्षक व पोषक तत्व के रूप में उभर कर सामने आए हैं, और व्यक्ति के सभी तरह के विकास, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शैक्षिक हो, के लिए अति आवश्यक है। चौथा पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सर्वहित और कल्याण के दर्शन को सामने रखकर चलने वाला राज्य कल्याणकारी राज्य माना जाता है। ऐसे देश में मानव अधिकारों को प्राथमिकता देकर लागू किया जाता है। इसीलिए मानव अधिकार दूसरे शब्दों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक, सार्थक व समर्थ हैं। अतः आज किसी भी देश के सभ्य सुसंस्कृत होने की ये कसौटी है कि वह देश की मानव अधिकारों का कितना सम्मान करता है। पांचवा पॉइंट है लोकतंत्र की स्थापना। किसी लोकतंत्र की स्थापना की सफलता का मापदंड वहाँ पर मानव अधिकारों के प्रभावी विस्तार की सीमा है। लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों को ध्यान में रखकर कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। इसीलिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए मानव अधिकारों को अधिक से अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। वस्तुतः मानव अधिकार व्यक्ति, समाज व राष्ट्र सभी के समग्र विकास के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।